पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम मजाल। तो यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। भारतीय गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों ने ऐसा टैलेंट कर दिखाया जिसको देखकर पूरी दुनिया झुकी भारतीय बच्चों के आगे। कैसा टैलेंट भैया, मुझे नहीं पता आखिर कैसा टैलेंट दिखाया। ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा भाई। और ये बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमें आ रही है, तो पहले वॉच करते हैं, फिर हम लोग कुछ बातें कर पाएंगे। तो स्टार्ट। इन दोनों ही बच्चियों ने ये जो क्यूब है इसको जो है वो सॉल्व किया। देखिए, कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। इस बच्ची ने आंखों पर पट्टी लगा करके जो है वो इसको पढ़ दिया। और कई सारे ऐसे अंग्रेजी स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे आंखें खोल करके भी, दसवीं के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। मैं तो अभी दिमाग मेरा खुद ही हिल चुका है। जी, आंखों पर पट्टी लगा करके कलर पहचान लेती है। और ये एक मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा आप कहें तो आजकल जैसे मेडिटेशन के लिए लाखों करोड़ों लोग खर्च करते हैं, न जाने कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम आपको इतना अच्छा मेडिटेशन करवाएंगे, उसके लिए इतना चार्ज करते हैं। वहाँ पे ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो आपको मेडिटेशन, अपने मन की शक्ति पहचानना किसे कहते हैं वो आपको ये बच्चियाँ दिखाएंगी। देखिए अपने आँखों के ऊपर ये पहले कॉटन लगा रही है ताकि इनको जीरो विजिबिलिटी हो, मतलब इनको कुछ भी ना दिखे, तो इसलिए पहले कॉटन लगा रही हैं। उसके बाद अपनी आँखों के ऊपर पट्टा बांध रही हैं। फिर उसके बाद ये बच्चियाँ जो हैं वो आपको कलर पहचान के बताएंगी कि वो कौन सा कलर है, क्या है, सब कुछ। एक मैं सुन पा रही हूँ कि एक मेडिटेशन की एक ध्वनि भी शायद पीछे बज रही है। अच्छा जी, ये क्या, कैसे पॉसिबल है? एकाग्रता बनाने के लिए ओमकार की ध्वनि जो है। गुरुकुल की तो बड़ी इम्पोर्टेंस है भाई, इधर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है। ओके, तो अभी तो आ गए हैं। तो मतलब एक ध्वनि भी बजाई जा रही है ताकि ये बच्चियाँ अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएं, मेडिटेट कर पाएं, अपने दिमाग और दिल को एक सीध में रख करके। पहले राजा होते थे ना, उनके बेटे गुरुकुल में जाते होते थे, शिक्षा लेते थे, लड़ाई की, हर चीज की, सुकून की। और ये है भारत के गुरुकुल की छोटी छोटी बच्चियां। अब इन बच्चियों के हाथों में ऐसे कोई वो नहीं है। अब ये बच्चियां उसको फील करेंगी, फिर उसके बाद बताएंगी कि कौन सा फील करेंगी। इसको अपने नसों पे लगा के, माथे पे लगा के, एक बच्ची ने तो बता भी दिया, ये देख हाथ खड़ा कर दिया। क्या बात है, उस बच्ची ने बताया कि ये ऑरेंज कलर का, और आप देख सकते हैं उसके हाथों में ऑरेंज ही कलर। ये देखो जा, ये नसों पे कैसे लगा रही है, इनको पता लग रहा है यार। हाँ, कैसे मुमकिन, कैसे ब्राउन बताया, उस छोटी सी बच्ची ने बताया कि उसके हाथों में ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर, ब्लू बताया इस बच्ची ने, ब्लू, रेड बताया उस बच्ची ने, हाई रेड। ये कैसे भैया, कलर दे सकते हैं, मैं और भी कुछ दे सकते हैं कि ये सिर्फ ये कलर की पहचान कैसे कर ले, ये कलर मतलब ये कि कुछ और भी मैं दे सकती हूँ, कलर पता लग जाता है, कलर्स के लिए कुछ भी ठीक है। जिस तरह हमारे मदरसा होते हैं ना, इस तरह मतलब सभी बच्चियों ने सही सही बता दिया कि कौन सा कलर। देखो ना, हमारे मदरसों में क्या बताते हैं तो उधर गुरुकुल में क्या बता रहे हैं। कुछ टैलेंट देखो, क्या है इसका कलर, इधर के बच्चों का टैलेंट देखो ना, फिर पता लग जाता है। ये हाँ, क्या बात है, इस बच्ची ने बता दिया कौन सा कलर है बेटा, येलो कलर, इसने बता दिया कि ये येलो कलर है और आंखों पे पट्टी लगा कर। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा सच में। अबे जहर, मैं खुद नहीं हूँ। ये बताओ कौन सा कलर का बच्चा, ये कैसे बता रही है। ये कोई हाथ पे लगा रही है, वजह कैसे कर रही है, ये क्या कर रही है, कमाल है भाई। व्हाइट और ब्लू, क्योंकि जो है ये आपका थोड़ा सा इसका जो शेड है वो ब्लू का है, मतलब थोड़ा सा, तो इसलिए इस बच्ची ने बता दिया कि व्हाइट और ब्लू का है। तो मुझे नहीं लगता कि और लोगों को टेस्ट करने की जरूरत है, समझ आ रही है क्या है, क्या नहीं हो रहा, कोई सा भी कार्ड ये बता देंगे। सनातन धर्म की शक्ति है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होती, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ये बताओ, ये सही बात, ये देखिए इसके हाथ में भी दी है, ये भी हाथ ऊपर लगा रहा है, ये क्या करती है।
इसे भी सर से रखा। फोर बोटल है इसमें, फोर बोटल। कलर सही बताया हो, सेब येलो ग्रीन रेड और पर्पल। ये मुझे बच्चियों ने बता दिया, इनकी आंखों पे पट्टी था, उसके बाद भी इन लोगों ने मुझे ये कार्ड के ऊपर क्या है वो मुझे बता दिया। कैसे हर कलर कोई सी भी बुक दूंगी तो ये पढ़ के भी बता देंगी। ये लीजिए बेटा इसको पढ़ के बता, पढ़ के भी बता, मैं बैठ जाती हूँ, मैं तो वैसे ही दंग हो गई हूँ। ये तो बच्चे बड़ा चलते फिरते शक्तिशाली वहाँ पर बांध रहे हैं। ये देख लो सारों की आंखें बांधी हुई हैं। हाँ सोचने वाली बात है ना। आप ये लो, ये वाला फील करो। शरण गुप्त साहित्य, भारत भारती, पर्यावरण दर्शन। इस बच्ची ने पढ़ दिया और इस बच्ची ने ये भी पढ़ दिया। एक बार और बेटा पढ़ के बताना। वजह ये यार शक्ति यार, यार। मैथिली शरण गुप्त साहित्य ये कुछ है भी यार। भारत भारती, ये सनातन भारती। अच्छा मैं एक और टेस्ट मतलब करती हूँ कि आप यहाँ से बीचों बीच में से पढ़ लेते हो, ठीक है? ये पढ़ो क्या लिखा है। क्या बोले यार थे हम और निश्चल निश्चयी। ये आंखों पे पट्टी भी बांधी हुई थी, ट्रांसलेट कर रही इंग्लिश। जिनके विपक्षी राजकुल की भी इतिश्री हो गई है। विष्णु शर्मा ने खड़े में सिंधु सचमुच भर दिया, कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पंडित कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। इस बच्ची ने मतलब ये जो पूरी चार लाइन है वो उस तरीके से जो है आप खुद भी देख सकते हैं। इस बच्ची ने आंखों पर पट्टी लगा करके जो है वो इसको पढ़ दिया। और कई सारे ऐसे अंग्रेजी स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे आंखें खोल करके भी, दसवीं के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों को मेरे ख्याल से उन स्कूलों को ये तगड़ा जवाब है कि बच्ची ने आंखों पर पट्टी लगा करके ये चार लाइनें इस तरीके से। न्यूज़पेपर भी अब आपको बच्ची पढ़ के बताएगी, वो भी बता रही है। एक सेकेंड रुको बच्चा। की वाणी परमेश्वर की वाणी, वेदों में विज्ञान, फरहाना ताज। ठीक है, ये देखो यही लिखा हुआ है इसके ऊपर। और मैं आपको एक अंदर से इसका पेज देती हूँ और इसको बोलती हूँ कि वो मुझे पढ़ के बताएगी। ये वाला, ये देखो किताब कौन सा सफा निकाला है, कोई इनको पता क्या है, तो क्या नहीं, अब देखते हैं। संस्कृत, वेद और विज्ञान। ये पढ़िए आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। संस्कृत, वेद और विज्ञान, जबरदस्त। अंग्रेजी स्कूलों को ये जोरदार तमाचा। कितनी फीस है आचार्य जी यहाँ की? अध्ययन का कोई शुल्क नहीं, 3,500 रुपए मासिक छात्रावास का और भोजन का, बस। और अध्ययन का कोई फीस नहीं है। और वो जो 3,500 रुपए मासिक है जो महीने का है, वो छोटे बच्चों से बड़े बच्चों सबका एक बराबर है, एक ही है, चाहे वो 12th तक हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो। कमाल है भाई, क्या बात है। जिस तरह हमारे मदरसों में फ्री में पढ़ाते हैं, ये बड़े उधर क्या बता रहे हैं, ये देख। हाँ ये तो एंड में बातें करते हैं। छोटी सी बच्ची, हाँ ये वाली पढ़ लेगी, ये वाली छोटी सी अक्षरा पढ़ लोगे। चलो भाई बुक्स, ये संस्कार भी देखिए ना आपकी। बुक्स इस वजह से नहीं थी क्योंकि पैरों से पढ़ना था, तो इस वजह से न्यूज़पेपर। हाँ न्यूज़पेपर लाइए, ओए देखिए पैरों से पढ़ लिया, पैरों से मुझे को पैर मार गया। एक एक करके बताना मुझे, क्योंकि मैं तो अभी दिमाग मेरा खुद ही हिल चुका है। मैं इन छोटी छोटी बच्चियों को देख रही हूँ। 200 पूर्व सैनिक और वीरांगना सम्मानित। ये देखिए करौंदा में 200 पूर्व सैनिक और वीरांगना सम्मानित, ठीक है। हाँ बेटा दैनिक भास्कर, खड्डे मड्डे भी तो नहीं है।
और ये सच में दैनिक भास्कर ही है। चलिए, अब कुछ लोगों को शक हो रहा होगा कि जी ठीक है, अखबार आता होगा यहाँ पे गुरुकुल में, तो इस वजह से इस बच्ची को पता है। अखबार के बीचों बीच अगर हम कुछ लेके देते हैं, पढ़ लेगी बच्ची? ये कुछ मुख्तलिफ वर्ग हर जगह से देख। मेरे घर में छोटा भाई है जो कि शायद अभी 10th में है, उसको मैं बोल अच्छा। बोल के थक गई, बेटा न्यूज़पेपर पढ़, बेटा न्यूज़पेपर पढ़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो नहीं पढ़ता है। लेकिन ये देखो, लक्की इंद्रजीत नाम है तुम्हारा, तुम्हारे लिए भी ये मैसेज है कि ये बच्ची कैसे आंखों पर पट्टी रख करके और ये पढ़ रही है। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसकी फ़ीस 50,000 है मेरे ख्याल से, उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। हाँ, उसकी दो पढ़ाई फिर तो इधर देखने जिधर मुफ्त बढ़ा रहे हैं उधर का टैलेंट देखा। ये सनातन धर्म का टैलेंट है, ये सनातन धर्म है भाई, ये सारी उसकी शिक्षाएं दी जा रही है। ये देख पैरों से कुछ कर रही है यार, मजबूत होंगे, मजबूत होंगे। जल प्रबंध होंगी, बैद 25 दिन में सफाई का टेंडर, जहां केस वहां के अलावा अब पूरे शहर में फोगिंग। फोगिंग क्या बात है, एक एक चीज हमारे दिमाग को खाने की वैभव जरूरत नहीं है। अभी तक जितना दिखा है उतना तो देख ही लिया होगा। मैं तो ये देखिए जो लिखा था उस बच्ची ने पढ़ दिया। हाँ, अब क्या दिखाना है इसको, मैं पजल कर देती हूँ। हालांकि मैं तो क्यों आंखें दे रही है, एक सेकेंड, आंखें खोल करके भी इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये बच्चे देखिएगा, अभी प्रैक्टिस होता है, माइंड पे किस तरीके से कंट्रोल होता है वो सब जो है आपको बच्चियाँ दिखाएंगी। पापा हमें बताते हैं ना सर के दिमाग की अगर तुम्हारे पास ताकत है तुम कुछ भी कर सकते हो। सही बात, ये देख एग्जांपल आपको मिली है ना, ये है सनातन धर्म की असली ताकत। तो इससे पता चलता है कि आंखों के ऊपर अच्छे से पट्टियां बंधी हुई हैं। सही बात है भैया, सनातन धर्म ही है, मुझे तो यही नजर आया ही जिगर, और तो मुझे कुछ नजर नहीं है। ये देख आंखों पे पट्टी भी बांधी हो, सब कुछ हो तो पढ़ रही है। ये कैसे करेंगे, वो देखो वो देखो वो देखो वो लाल, अबे सर पे रख लिया, यूं फील कर लिया ऐसा सर के ऊपर रख के, माथे के फील करती है सर पे रख के। रंगों का कैसे पता चलता है कि ये एक जैसे हैं, ये देख फिर भी सर पे लगाया। ये पूरा सॉल्व कर देंगे, ये एक लगी हुई है देखो यार, कमाल है भैया। देखते हैं ये क्यूब कर पाती हैं कि नहीं। सबसे पहले बात इधर है ना, मुझे ये देखने बहुत खतरनाक चीज है ये। ये तो बंदा आंखों वाले भी नहीं कर सकता, आंखों से पट्टी हटती नहीं होता, नहीं होता। मैंने एक दफा ट्राई किया था, मैंने उड़ा के मारा था इसको दीवार के साथ। मैंने कहा ये क्या बकवास है भाई, ये नहीं होता था, बंदे का दिमाग खराब कर देता है ये। हाँ ना, वैसे 2 मिनट में कर देते हैं। प्रैक्टिस नहीं छूटी, प्रैक्टिस छूटी हुई है। उस लड़की का करीब ही लग रहा है। हाँ, मुकम्मल ही कर लिया तकरीबन। नहीं वो फॉरवर्ड कर देंगे, वो पूरा क्रंच लेंगे, फिर तो एडिट पूरा ही वीडियो होना है। लेकिन मैं जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इनको दिक्कत नहीं होगी ना बच्चा कुछ मेडिटेट करने, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की इतनी जो सैलरी मतलब आई मीन जो इतनी फीस होती यार है, ये तो अंग्रेजों इतना सब कुछ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके बताते हैं, ये देखिए ये होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें बच्चे को अपने दिमाग और दिल के बीच में कैसे जो है वो एक तालमेल बिठाना है, वो इस
तरीके से सिखाया जाता है और इस तरीके से बताया जाता है। और मात्र 3,500 रुपए महीना जो है यहाँ की फीस है। फीस भी वो भी पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं है, रहने और खाने के लिए सिर्फ 3,500 रुपए इस गुरुकुल की फीस है। और यहाँ के बच्चे इतनी आधुनिक हैं, अपने संस्कारों को किस तरीके से पकड़ करके चलना है वो यहाँ के बच्चों को मालूम है, कैसे आगे निकलना है वो यहाँ के बच्चों को मालूम है, आधुनिकता मालूम है, मॉडर्निटी मालूम है, सब कुछ मालूम है, और संस्कारों से भी कैसे जुड़ना है वो भी मालूम है। मैं तो सच में यहाँ पे आके दंग रह गई और मैं यहाँ के आचार्य को शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ। आचार्य जी, आपने इन बच्चों को इस तरीके से जो है वो आपने सीखा है, सच मुझ बहुत ही काबिले तारीफ, तभी शायद इनको जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया 2023 में। इसके लिए कुछ अलग से मतलब वो चलते उनको रहने दो, अलग से इनकी कोई ट्रेनिंग होती है आचार्य जी? किसी को बुलाते हो बाहर से ट्रेनिंग करने का? नहीं, बाहर से किसी को ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाते। जो बड़ी छात्राएं एक तरह से अब सुयोग्य बन जाती हैं वो अपने से छोटे जो होते हैं उनको प्रशिक्षित कर देती हैं। अच्छा। और वो उससे आगे परस्पर एक दूसरे से, हमारे गुरुकुल की परंपरा में एक कुलपति होता था। अच्छा। और वो जो कुलपति होता था वो जिन छात्रों को, जिन ब्रह्मचारियों को पढ़ाता था वो उससे आगे वालों को, वो उससे आगे वालों को, तो इस प्रकार से उस परंपरा से एक दूसरे से ज्ञान को ग्रहण करने की परंपरा गुरुकुल परंपरा रही है। उससे जब हम जो चीज़ ग्रहण करते हैं यदि दूसरों को भी उसको सिखाते हैं तो वो ज्ञान और परिपक्व हो जाता है। बोलते हैं कि ज्ञान ही ऐसी चीज है जिसको हम अगर और किसी को देते हैं बांटते हैं तो वो और बढ़ता है, और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तब भारती, व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। जितना हम दूसरे को देंगे तो ये बढ़ेगा। धन, भौतिक धन देते हैं तो वो फिर या तो उसके पास रहेगा या मेरे पास, वो ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मेरे पास नहीं बचेगा। किंतु विद्या का धन, ये कलाओं का धन ऐसा है, दूसरे को सिखाएंगे तो कई गुना मेरे पास भी आ जाएगा, आ जाएगा। और मैं आचार्य जी से बात कर रही थी उससे पहले ही इन दोनों ही बच्चियों ने ये जो क्यूब है इसको जो है मुकम्मल कर लिया। आप देख सकते हैं ये इस छोटी बच्ची ने किया है। नाम क्या है बेटा? अक्षिता। अक्षिता नाम है इस बच्ची का। और मेरे ख्याल से अभी 10-12 सालों की, कितने सालों की? 11 सालों की बच्ची है। और उसने ये सॉल्व कर दिया आंखों पर पट्टी लगा के। और आपका क्या नाम है बेटा? संभूति। ठीक है, कितने साल के हो? 13 साल की है। और इस बच्ची ने भी इस क्यूब को जो है पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। जो मैं तो बोलता हूँ ये कैसे कर भाई साहब, पापा जी ये गुरुकुल की तो स्टोरी मुझे पता है, मतलब के लाखों करोड़ों सालों पुरानी है। जब भगवान शिव जी थे, जब शिक्षा देते थे तो फिर आगे से ये सारी चीजें चलती आ रही है। भगवान शिव जी से ये चीजें शुरू हुई थी। उस टाइम गुरुकुल में बड़े बड़े राजा होते थे ना, उनके बेटे वो जाते थे कई सालों के लिए गुरुकुल में शिक्षा लेने, कि भाई लोगों से आपने मिलना कैसे, तालीम सारी एजुकेशन उस टाइम की, आपका लड़ाई, आपकी आपकी जो अंदर की ताकतें हैं वो कैसे बाहर आएंगी। ये देख लो आज आज के मॉडर्न टाइम पर, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आज भी ये चीज हो। मैंने सोचा हुआ था कि भाई ये गुरुकुल खत्म हो गया अब, लेकिन भाई साहब गुरुकुल है और अंदर उसके अंदर ये चीजें हो रही हैं। समझो कि ये सनातन धर्म के अंदर गुरुकुल होता है और हमारे इस्लाम में मदरसा, लेकिन मदरसों में क्या और ये गुरुकुल में क्या, ये आपके सामने है। बिल्कुल फर्क आप खुद देख लें कि इधर क्या है मदरसे में और उधर गुरुकुल में क्या हो रहा है। क्या एजुकेशन? आंखें बंद करके रूई पहले रखी है, रूई के ऊपर मलमल का, माँ की शक्ति क्यों, मतलब कि आज इस वीडियो को देख कर मैं ये चीज कहने के लायक हूँ कि भाई हाँ, दिमाग की शक्ति से बंदा उड़ भी सकता है। बिल्कुल सही बात। ये हमारे लोगों में बातें मुसलमानों में चलती कि तुम्हारे अंदर दिमाग की ताकत होना तो तुम उड़ भी सकते हो। दिमाग की ताकत वो देखो कि भाई दिमाग की ताकत है, आंखें बंद है, सब कुछ पातों से फील करके कलर बता रही है, पढ़ रही है, स्टडी कर रही है। न्यूज़पेपर यार देख, न्यूज़पेपर वो उठा के लाइए, न्यूज़पेपर चलो किताब में पता चलता है क्योंकि तो लिखा होगा, उन्होंने याद ना किया, न्यूज़पेपर उठा के लाइए, ये दर वो आता ही नहीं है। गुरुकुल यार यकीन मानो आज यकीन। मेरा मैं कहता हूँ मेरा हिंदुइज्म में विश्वास और बढ़ गया ये चीजें देख के, देखना कि ये गुरुकुल में ऐसी चीजें कराई जा रही है। जो उनकी बड़ी आनी है
ये पैसे खाने का तरीका ये जो सीखता जाता है वो खुद बहुत दूसरों को सिखाता जाता है ताकि उस तक महदूद ना रहे, फैलता जाए, उस तक फैलेगा तो मेरे तक पहुंचे। सनातन धर्म है ना ये, देख इधर हमारे पास किसी के पास चीज सीखी कोई सिखाता है किसी को ना, भाई मुझे आए दूसरे तक ना फैले। वही ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है बाबा, ये मेरी आंखें खुल गई है। ये चीजें यकीन मानो ये चीजें प्रूव करती हैं कि सनातन धर्म ही शक्ति वजह, सनातन धर्म ही सब कुछ है। ये चीज आज इस वीडियो को देखे मैं कह रहा हूँ कदर कैसे उन्हें पता चले। देख लो ये दिमाग की शक्ति, ये दिमाग, ये नसों से फील करना, ये सब कुछ करना, सब कुछ ये सनातन धर्म के अंदर सब कुछ, और किसी धर्म के अंदर ये चीज नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये आज चीज ये प्रूव सबके सामने है। कैसे नसों पे कोई आप रख के कर सकता, मैं कहता हूँ आप बंद करो, आप पूरी जिंदगी लगे रहो ना, पूरी जिंदगी तो आपसे ये काम नहीं होगा, ना मुझसे होगा। वो जो उन्होंने डबी से रंग बराबर कर दिए वो बहुत गंदा गेम है, वो बंदा ऐसे भी नहीं कर सकता, आगे खोल के भी नहीं कर सकता, उन्होंने बंद करके सारा बिल्कुल एक जैसे रंग कर दिया चारों तरफ से एक जैसे। ये पापा दिमाग, न्यूज़पेपर जो पढ़ा, ये दिमाग की पावर है भाई साहब। सनातन धर्म में ये चीज हो रही है, यकीन मानो मुझे नहीं पता था, मेरी जान के फट गई है यार। मैं तो हैरान हूँ, फीस भी इतनी नहीं है, खाली रहने सहने के लिए 3,500 रुपया मुफ्त दी जाती है तालीम, बस आप अंदाजा लगाए। बड़े बड़े गुरुकुल, यकीन मानो गुरुकुल, यकीन मानो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। हमारे मदरसा में ये चीजें नहीं होती हैं, और वहां पर देखो साथ दीन के उनके मजहब की शिक्षा, साथ दुनिया में आगे बढ़ना। साथ इस तरह की चीजें जो मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े लोग हमारे मदरसे ये चीज नहीं सिखाते, सिर्फ वो मारते हैं कि बस निकलो बस याद करो बस, और तो कुछ भी नहीं है। मारो एक दूसरे को, ये देखना हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान उधर देखो वो बोल रही है कि तो के बच्चों को मैंने देखा, इनमें टैलेंट देखा, आगे भी निकलने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे निकले। ये आपको क्या है, ये आपको टैलेंट, ये वाला टैलेंट किस में किस दर है, मैंने तो अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं देखी। देखी आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म कर।